एक भूतपूर्व फौजी और बिजली विभाग त्योधर के बीच हुई मारपीट का सच। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा जिले के त्योधर तहसील अंतर्गत ग्राम शिला में 16 अगस्त को कथित तौर पर बिजली विभाग और अरुण गौतम उर्फ कमांडो के बीच में हुई झड़प का सच जानने के लिए द खबरदार न्यूज जा पहुँची शिला गाँव। आज हम मौजूद है उस गाँव में जहाँ कथित तौर पर कमांडो और बिजली विभाग के बीच खूनी झड़प हुई थी। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि क्या हुआ था उस दिन, हकीकत क्या है। क्या नाम है आपका मैडम? ज्ञानवती तिवारी। ज्ञानवती तिवारी जी, आपके पति भी आरोपी है शायद इस केस में? आरोपी हो, उनको फंसा गया है सर। फंसाया गया? हाँ, फंसाया गया है जी। उस दिन हुआ क्या था ये तो मुझे नहीं पता है, वहाँ पे मैं नहीं थी। आप मौजूद नहीं थी? नहीं, पर वहाँ ट्रांसफार्मर के लिए सब लोग उनसे कह रहे थे कि सर लगवा दीजिए। हम लोग यहाँ धूप में, गर्मी में, इतनी विकट गर्मी यहाँ है, मच्छर खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो जब उनसे हम लोग बोल रहे थे हरदम, तो वो लगवाने की कोशिश की, तो बिजली विभाग वालों ने लेकर आए, फिर वहाँ यहाँ से वापस हो रहे थे, तो लगवाने की कोशिश कर रहे थे। ट्रांसफार्मर बिजली विभाग द्वारा नहीं लगवाया जा रहा था यहाँ से लेके वो लोग चले जा रहे थे। तो उन्होंने बोले कि लगा दो, तुम ये सब गरीब हैं, देंगे पैसा जो इनसे हो सकेगा जी। हाँ, इसी में बातचीत। अच्छा, ये पैसा किस बात का, पैसा किस बात का देंगे, कुछ स्पष्ट हुआ था क्या? नहीं, ये मुझे नहीं पता है किस बात के पैसे लिए जा रहे थे, ये नहीं पता है। अच्छा, ये ट्रांसफार्मर जो दिख रहा है ये उसी दिन आया था? तो ये अभी तक, फिर उसके बाद विवाद हुआ, उसके बाद अभी तक क्यों नहीं लगाया गया? अभी हमें नहीं पता है, अभी तो बिजली विभाग जाने। अच्छा, इसकी कोई जानकारी नहीं? आप लोगों के घर में इस समय अंधेरा रहता है? अच्छा, ये उस दिन से यही पड़ा हुआ? यही पड़ा है। इसके बाद फिर कोई गतिविधियाँ? गतिविधियाँ यहाँ रोज पुलिस आके लोगों को इतना ख्वाब भर दिया कि डर के मारे कोई बाहर नहीं निकल रहा है। कोई बोलते हैं कि जो हैं अगर कोई उनके खिलाफ बोल देगा तो उनको सबको जेल में डाल देंगे, यहाँ से नाम, मतलब सब लोगों के जो निर्भर मतलब है उनको भी पकड़ के सबका नाम डलवा रहे हैं, सबको पकड़वा रहे हैं। इतना डर यहाँ पैदा कर दिए है कि यहाँ कोई बोल नहीं सक रहा है कि कोई आदमी बोल दे। अच्छा, पुलिस रोज आ रही है? रोज आ रही है और सबको बिल्कुल धमकी देती चली जा रही है। छिपते किस हैं? बात की धमकी? धमकी कि सबको पकड़वा देंगे, सबको जेल में डाल देंगे, यहाँ कोई बचेगा नहीं गांव के अंदर। सबको मार उसी ट्रांसफार्मर वाले पकड़। हाँ, जी, उसी से। जी सर। क्या नाम है आपका भाई साहब? हरिमोहन चतुर्वेदी। आप इसी गांव के हैं? जी जी, हम, हमारा घर बगल में वही है। अच्छा, आपका घर बगल में ही? जी जी। ये जो कमांडो सेना और बिजली विभाग के बीच में झड़प हुई थी, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं आपसे कि एक्चुअल में उस दिन हुआ क्या था। उस दिन ट्रांसफार्मर लगा था, दोनों दो आए थे है? तो एक वहाँ लग गया है रोड पे है? एक यहाँ भी लगना था है? तो यहाँ तक आया, इसके बाद फिर पैसा के बारे में वो बात किए। पैसे के बारे में कौन बात किया? वो अधिकारी लोग, बिजली विभाग। तो वो आए तो पैसा ना रहने के कारण वो रोक दिए, तो सब गांव के लोग यहाँ आ करके इकट्ठा हुए तो रोक दिए ट्रांसफार्मर की। तो जैसे पैसे की मांग वो कर रहे थे तो वो बिजली का बिल मांग रहे थे या कुछ और? अभी पैसा मांग रहे थे साहब, ये आपको क्लियर नहीं है कि बिजली का बिल मांग रहे थे या क्या मांग रहे थे? ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? तो फिर सब लोग आए तो यहाँ रुका लिए ट्रांसफार्मर, और वो बातचीत आए तो उनको अरुण गौतम को बुलाया गया है? तो अरुण गौतम आए तो बताने लगे सब लोग कि ये क्या हुआ, कैसा हुआ है? तो यहाँ के लोग बताए कि ये पैसा मांग रहे हैं, ट्रांसफार्मर नहीं लगवा रहे हैं, आया है लगवाने के लिए। तो फिर? तो इसके बाद फिर झंझट हो गई, लड़ाई झगड़ा तो हो गया बीच बचाव में, उनके लग गए लाठी डंडा। बीच बचाव में कौन आया? वो अरुण गौतम कमांडो। अरुण गौतम बीच बचाव में? जी जी जी। और जैसे कहा ये जा रहा है कि अरुण गौतम ने खुद मारपीट की और बिजली विभाग के अधिकारी को बंधक बना के? नहीं, बंधक नहीं बनाया, यहाँ से फिर जब अधिकारी भागा है तो वो केमार खुली थी, वो आदिवासी के तो अधिकारी भागा, वो सोचे कि जनता बहुत हो गई और यहाँ हम बचेंगे नहीं है? तो सीधे भाग करके वो क्या कहते हैं उसमें अंदर खिड़की बंद कर लिया। आप लोग बताइए, ये जो भाई साहब बोल रहे हैं ये सही है? ऐसा ही हुआ था? बिजली विभाग और कमांडो के बीच में कोई मारपीट नहीं हुई? कोई मारपीट। तो फिर ये जो बातें आ रही हैं कि कमांडो को चोट लगी और बिजली विभाग ने भी बताया कि एई साहब को चोट लगी, ये कैसे हुआ? कमांडो को बिजली विभाग वालों ने उठा के एक ढोंका तेज से मार दिया। वो बात कर रहे थे किसी से जो उनके सामने थे और उनका साथी पीछे से आया और उनको एक हिस्सा उठा के मार दिया, उनको भारी चोट लगी, वो गिर गए, खून से लथपथ हो गए। वो भाग करके जब पब्लिक टूटी तो वो अंदर चले गए। इसके बाद कौन, मतलब वो बिजली विभाग के अधिकारी
वो खुद से अपने से अंदर गए थे, वो अपने से गए। इसके बाद जब पब्लिक टूटी तो अंदर चले गए और वो एक खून से लथपथ पड़े हुए थे वहाँ पे कमांडो। वो अंदर जा कर के और पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस जब आई तो वो दरवाजा खोला और हंसते हुए वहाँ से निकल पड़ा बिजली विभाग का अधिकारी। हाँ जी। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के इन दोनों के बीच में कोई झड़प हुई ही नहीं थी? नहीं हुई। बिजली विभाग का साथी जो था वो पीछे से मार दिया कमांडो साहब को। देखिए, आज चिल्ला गांव में जब हम आए तो हमें यह पता चला कि बिजली विभाग और कमांडो के बीच में कोई झड़प हुई ही नहीं थी। तो ये सारा जो कुछ सुनाई और दिखाई दिया कि कमांडो ने बिजली विभाग के एई को मारा या वो उसको घायल किया, बंधक बनाकर पेट्रोल डालने की कोशिश की गई, इन सब बातों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय बनता है।